वासी नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी पूनम जायसवाल पत्नी विष्णु जायसवाल के समर्थन रविवार को एसके मैरिज हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व मंत्री भाजपा राजा जय प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है, सभी लोग निष्ठा के साथ लगे। जो वार्ड सदस्य है वह भी अपने साथ अध्यक्ष पद के लिए समर्थन मांगे, अपने लाभ के लिए पार्टी का ना करें नुकसान, एकजुट होकर निकाय चुनाव में पार्टी को दिलाए जीत। चेयरमैन के साथ सभी वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराएं। केंद्र प्रदेश में भाजपा की सरकार है, निकाय में हमारी सरकार बनने पर विकास की गंगा बहेगी। पानी, बिजली, पार्क, जो भी सुविधाएं अभी तक नहीं हो पाई है सभी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध होंगी। जी मित्रों, मैं आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार गुप्ता, इस समय मैं मौजूद हूँ सिद्धार्थ नगर के वासी नगर पालिका परिषद चुनाव के लेकर। यहाँ किसान कार्यकर्ता सम्मेलन भाजपा का इसके मैरिज हॉल में हो रहा है, जहाँ यहाँ देखा जा रहा है तमाम पदाधिकारी और तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता तो हजारों की संख्या में मौजूद है। वाराणसी के नगर पालिका के चुनाव इतने वर्षों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार ने पैसा दिया है, केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, उस पैसे का जो विकास होना चाहिए था, जिस तरह सक्रियो होना चाहिए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के चेयरमैन होने के कारण आज जो विकास नहीं। मैं यही अपील करूँगा, अगर आज देश की जनता ने केंद्र में नरेंद्र मोदी जी में आस्था प्रकट किया है, केंद्र का बजट आ रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को प्रचंड बहुमत से 37 वर्षों के बाद दो तिहाई फिर से मुख्यमंत्री बनाया है, तो केंद्र प्रदेश में जब अगर पूनम जायसवाल जी जीतेंगी तो ये घंटी बजाएंगी विकास के लिए, तो वो घंटी मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ बजेगी, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ बजेगी। अगर कोई विपक्ष का जीत जाएगा तो वो घंटी अखिलेश के यहाँ बजेगी। तो विकास योगी जी की सरकार में होगा, मोदी जी की सरकार में होगा, इसलिए पूनम जायसवाल को जिता के कमल खिला के वासी का विकास करें। आज का कार्यक्रम नगर पालिका में नगर पालिका सम्मेलन चुनाव के तैयारी को लेकर कितनी जनसंख्या लगभग रही है?